इस बंदे का जिगजैग वाला मूवमेंट देखो आप लोग, इतना खतरनाक कंट्रोल। और भाई हेड भी मार दिया। और इस बंदे का मूवमेंट देखो कितना ज्यादा खतरनाक कर रहा है भाई, रिवर्स मूवमेंट भाई, और हेड शॉट। तो भाई ये बंदा भी बहुत खतरनाक खेल रहा है भाई। एक 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 जीरो का बचा है स्कोर। अरे भाई साहब राघव बहुत खतरनाक खेल रहे हो। इस बंदे का मूवमेंट ना भाई बहुत ज्यादा ही। वेल फोर फिंगर में तो काफी सारे बंदे खेलना चाहते हैं बट खेल नहीं पाते हैं। क्या इतना हार्ड है फोर फिंगर में शिफ्ट होना? थ्री फिंगर में शिफ्ट होने में बंदों की फट के हाथ में आ जाती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि फोर फिंगर बहुत ज्यादा ही मुश्किल होने वाला है। क्या बात कर रहे हैं बाबा? फोर फिंगर मतलब चार उंगलियों को एक साथ अपने फोन के ऊपर फेरना, उन चार उंगलियों को पूरे एक दिमाग से कंट्रोल करना। और कंट्रोल करना मीन्स एकदम स्पीड चलाना उसको, इतना स्पीड चलाना कि सामने वाला बंदा आपके मुंह पे हग के ना चले जाए। चोरी मत कर लोड़े। अब देखो लंडो, आज के इस वीडियो में ना मैं आप लोगों को टॉप 7 ऐसे बंदों की फोर फिंगर वाली एचयूडी देने वाला हूँ ना, जो लिटरली आप लोगों ने कहीं पे भी नहीं देखी होगी और ना ही मेरे चैनल पे आप लोगों ने कभी ऐसी एचयूडी देखी होगी, क्योंकि इन फोर फिंगर प्लेयर्स के ऊपर मैंने कभी भी वीडियो बनाया ही नहीं है। हाँ? और हाँ भाई लोग, ये जो लिस्ट होने वाली है ना, ये वर्ल्ड के बंदों की लिस्ट होने वाली है, यानी कि पूरे वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर्स होने वाले हैं इस वीडियो में। बाप रे! लेकिन हाँ ये पार्ट टू है, इसका पार्ट वन ऑलरेडी रिलीज्ड हो चुका है, जिसमें भी मैंने फोर फिंगर्स के प्लेयर्स को ही लिया था, जैसे कि मैक्साडो हुआ, लैंज एफएफ हुआ, जेमएस एफएफ हुआ। आप लोग कमेंट मत करना कि भाई आपने उनको क्यों नहीं लिया। तो चलो आज के इस धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो जी, आप लोगों के सामने आज के पहले प्लेयर का गेम प्ले। बहुत सारे बेस्ट प्लेयर को अपने बेस्ट एक्यूरेसी में खेलते हुए देखा होगा, लेकिन इस बंदे की एक्यूरेसी भाई एकदम गॉड लेवल है। आप लोग हेडशॉट मारोगे तो वो अलग टाइप से दिखेगा, लेकिन ये बंदा जो हेडशॉट मार रहा है ना, वो भाई अलग लेवल पे दिख रहा है। अब इसका रीजन ये भी है कि ये बंदा क्राउच करके हेडशॉट मार रहा है, क्योंकि क्राउच करने से आप सभी को पता है कि एक्यूरेसी बढ़ जाती है। और एक होता है क्राउच करके हेडशॉट मारना, बट ये बंदा क्राउच करके एक्यूरेसी मेंटेन कर रहा है, उसके बाद क्राउच करके हेडशॉट मार रहा है, जो कि लिटरली नेक्स्ट लेवल है। यही नहीं, अभी और सुनिए। बंदे बोलते हैं कि थ्री फिंगर से फोर फिंगर शिफ्ट होने में कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये बंदा फोर फिंगर में खेल रहा है, इसलिए आप लोग इसका खेलने का स्टाइल देखो, मतलब थोड़ा अलग सा ही दिख रहा है इसका मूवमेंट वगैरह। सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है भाई लोग, ये बंदा बहुत पहले का प्लेयर है, और ये जो गेम प्ले मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये पूरे एक साल पुराना गेम प्ले है। क्या बात कर रहे हैं बाबा? जी आप लोगों ने सही समझा, ये बंदा बहुत पुराना प्लेयर है। मैं आप लोगों को जो गेम प्ले दिखा रहा हूँ फोर फिंगर का गेम प्ले, लेकिन ये बंदा अभी रिसेंटली थ्री फिंगर में शिफ्ट हो गया। तो यार इस बंदे का नाम है पीएसटी गेमर, यानी कि यूट्यूब पे 51,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। ये बंदा रेगुलरली थ्री फिंगर में खेल रहा है और रेगुलरली वीडियोस वगैरह भी डाल रहा है यूट्यूब पे, तो आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हैं उनके चैनल को। ठीक है, बात कर लेते हैं इस बंदे कस्टमर छुट्टी के बारे में, तो ये रहा आप लोगों के सामने। आप लोग चाहो तो कॉपी वगैरह कर सकते हो, ठीक है। बाकी आप लोगों को मेरा ओपिनियन जानना है कि आप लोगों को ये कस्टमर छुट्टी में शिफ्ट होना चाहिए या फिर कौन से वाले कस्टमर छुट्टी में शिफ्ट होना चाहिए अगर आप लोग फोर फिंगर में खेलना चाहते हो, तो आप लोगों को पूरा वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। ठीक है, अभी बढ़ते हैं आज के इस वीडियो के सेकंड नंबर प्लेयर की तरफ। चलो। गेम प्ले देख लिया कितना खतरनाक खेल रहा है ये बंदा भी, और इसका गेम प्ले करने का तरीका भी बहुत ज्यादा ही अलग है, और मेरे को काफी अच्छा लगा इस बंदे का गेम प्ले देख के भी। इस बंदे का ग्लोअल लगाने का तरीका थोड़ा सा यूनिक है, जिसकी वजह से इसका गेम प्ले काफी अलग लग रहा है। तो यार इस बंदे का नाम है वोफ FFXZ, जिनके टोटल 700 सब्सक्राइबर्स है। मुझे नहीं पता कि ये बंदे ऐसा नाम क्यों रखते हैं। अब बात करते हैं इस बंदे की कस्टमर छुट्टी के बारे में, तो यार आप लोगों सामने इस बंदे की कस्टमर छुट्टी, आप लोग चाहो तो कॉपी वगैरह कर सकते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के इस वीडियो के थर्ड नंबर प्लेयर की तरफ। Can't put me in a box.
ये बंदा भी काफी सही खेल रहा है, मतलब यार अच्छा ही खेल रहा है, फोर फिंगर के हिसाब से तो अच्छा ही खेल रहा है। थोड़ा मूवमेंट मेरे को स्लो लगा एंड एक्यूरेसी भी अच्छी है लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं है, ठीक है। शायद से हो सकता है ये बंदा फोर फिंगर में हाल फिलहाल में शिफ्ट हुआ इसलिए ऐसा खेल रहा हूँ। यार इस बंदे का नाम है म्यूट वाईटी और इनके यूट्यूब पे 3500 सब्सक्राइबर्स है। बाकी बात की जाए इस बंदे की कस्टम एचयूडी के बारे में, तो आप लोग चाहो तो इस बंदे के हैंडकैम से ले सकते हो कस्टम एचयूडी, ठीक है। चलो अभी बढ़ते आज के इस वीडियो के नेक्स्ट पिलर की तरफ, यानी कि फोर्थ नंबर पिलर की तरफ। आप लोग सामने उस बंदे का गेम प्ले। तो यार इस बंदे का नाम है रिफ्लेक्स 444 और इनके यूट्यूब पे 1.65 के सब्सक्राइबर्स हैं। आप लोग जाके इनको सपोर्ट दिखा देना थोड़ा। एंड बात करते हैं इस बंदे के गेम प्ले के बारे में, तो गेम प्ले इसका मतलब ठीक ठाक ही है, मतलब इतना बहुत अच्छा भी नहीं बोल सकते हैं। एक्यूरेसी वगैरह ठीक है लेकिन थोड़ा मूवमेंट वगैरह और अच्छा हो सकता था। एंड ग्लोअर लगाने का स्टाइल वगैरह भी कुछ और अच्छा हो सकता था क्योंकि खड़े खड़े ग्लोअर लगा दे रहे, तो मजा नहीं आ रहा थोड़ा सा। एंड बात करते हैं कस्टम एचयूडी के बारे में, तो आप लोग स्क्रीन में दिख रहा होगा कस्टम एचयूडी, आप लोग चाहो तो उधर से कॉपी कर सकते हो, ठीक है। अभी बढ़ते आज के इस वीडियो के फिफ्थ नंबर प्लेयर की तरफ। All we got is the will. Looking out for the opposition, we don't do this for mass appeal. Don't make me blast it still. I put in work, no flying in the mirror. They want me to lose, but I can't. I'ma shed like 1,000 tears. I can't do that shit away. I pull up in Mercedes. Next year you gon' see me pull up in the race. All my niggas ball hard. Mama told me, boy, make sure you tie the lace. Hey, when I was down bad, boy, I got on my knees, I started to pray. Now I'm breaking bread with my young Betty Wiz. He was a part of gang. No, now he getting paid every single day. Yeah, I'm hustling. I can turn an 8 to a 28. Let me show you. Buck 12, nigga, they can kiss my ass. Yeah, see them lights, bitch, you know I got the strap. Buck around, I push to get paid every single day. तो यार ये बंदा भी फोर फिंगर प्लेयर है, मेरे को लगा ही नहीं था देख के। मेरे को स्टार्टिंग में लगा यार ये बंदा पीसी वैसे में खेल रहा होगा, क्योंकि इस बंदे का मूवमेंट जो है ना वो बहुत ज्यादा ही खतरनाक लगा मेरे को, मतलब फोन के हिसाब से बहुत खतरनाक मूवमेंट। ग्लोअर लगाने का तरीका वगैरह भी काफी अच्छा है, मतलब थोड़ा यूनिक ही है समझ जाओ। और एक्यूरेसी वगैरह ठीक ठाक है, बहुत अच्छा भी नहीं बोल सकते हैं, बट ओवरऑल गेम प्ले अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा है समझ जाओ, ठीक है। यार इस बंदे का नाम है वर्जिल एफएफ क्या बोल सकते हैं, वर्जिल या वर्जिल कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। जिनके ऑलमोस्ट 4500 सब्सक्राइबर्स हैं, देख सकते हो आप लोग। बात करते हैं कस्टम एचयूडी के बारे में, तो ये आप लोग सामने इस बंदे का कस्टम एचयूडी, आप लोग चाहो तो कॉपी वगैरह कर सकते हो, ठीक है। कि आप लोगों को अगर मेरा सजेशन वगैरह जानना है तो आप लोगों को वीडियो को पूरा एंड तक देखना पड़ेगा। तो इसी के साथ बढ़ते हैं आज के इस वीडियो के सिक्स नंबर प्लेयर की तरफ। बहुत खतरनाक तो यार ये बंदा ना, ये बंदा अलग लेवल का ही खेलता है यार, सच बताओ। ये जो मैं आप लोगों को गेम प्ले दिखा रहा हूँ ना, लिटरली ये बहुत पुराना गेम प्ले है भाई लोग। देखो इस बंदे का नाम ना पहले राघव था लेकिन अभी इसने नाम चेंज कर लिया है। अभी इसके चैनल का नाम है उमंग एफएफ। इनके यूट्यूब पे 6500 सब्सक्राइबर होने ही वाले हैं और शायद से इस बंदे ने गेम खेलना छोड़ दिया, बहुत टाइम से इसने वीडियो वगैरह नहीं डाला, ठीक है। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप लोग किसी ऐसे बंदे के कस्टमर छोटी शिफ्ट हो जो कि फोर फिंगर में खेल रहा है, वो वीडियो वगैरह डालता ही नहीं है कभी अपने चैनल। तो दैट्स व्हाई मैं आप लोगों को इस बंदे की कस्टमर छोटी नहीं दे रहा हूं। बट अगर आप लोगों को फिर भी इस बंदे की कस्टमर छोटी चाहिए तो आप लोगों को इस बंदे के चैनल के अंदर में मिल जाएगी। मैंने सभी बंदों को डिस्क्रिप्शन में टैग कर दिया, आप लोग वहां से चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। चलो अभी बढ़ते आज के इस वीडियो के सेवेंथ नंबर पिलर की तरफ, यानी कि आज के इस वीडियो के सबसे लास्ट पिलर की तरफ। तो यार इस बंदे का नाम है गारा एफएफ और ये बंदा लिटरली भाई एक टाइम का लेजेंड प्लेयर है, सच बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। अगर आप लोग फ्री फायर नया नया खेलने आए हो ना, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, गारा एफएफ जो था ना एक टाइम का बहुत खतरनाक प्लेयर था। था का मतलब ये है कि इस बंदे ने गेम खेलना छोड़ दिया। अब गेम खेलना इसलिए इसने छोड़ा ना क्योंकि इसका चैनल हैक हो गया। ये बहुत लंबी कहानी है, अब इसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा तो वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है, वीडियो और बड़ा हो जाएगा क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। ये मैं आप लोगों को जो क्लिप दिखा रहा हूँ ये गारा एफएफ के चैनल से मैंने नहीं लिया, किसी और ने अपलोड कर रखा था उसकी वीडियो को, वहां से मैं निकाल के आप लोगों को दिखा रहा हूँ उसका गेम। क्योंकि जब गारा का चैनल हैक हुआ था तो
हैकर ने सारी वीडियोस को डिलीट कर दिया, जिसकी वजह से मैं आप लोग को इस बंदे की कस्टमर चिड़ी नहीं दे सकता, क्योंकि है ही नहीं तो भाई कहां से लाऊंगा मैं, बतवा। बट अगर फोर फिंगर प्लेयर्स की बात हो रही है तो हम लोग गारा एफएफ को बिल्कुल भी नहीं बोल सकते, क्योंकि ये बंदा भाई लेजेंड प्लेयर था। ठीक है, बस लौंड आज के इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय झारखंड।